वीर भूमि हिमाचल के हमीरपुर जिले के दो सगे भाइयों का नौसेना और थल सेना में बतौर लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट चयन हुआ है। जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टपरे पंचायत के नौहगी गांव के इन दोनों सगे भाइयों के चयन से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्टार्टिंग से मोटिवेशन फैक्टर तो सारी हमारी फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो डिफेंस बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलती रही। मेरे मामा जी, नाना जी, ये सब फौज में थे, तो वहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट हुई। सैनिक स्कूल सुजानपुर डीरा के बाद मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी का जो पेपर है वो दिया, उसको पार करने के बाद वहाँ पे 3 साल ट्रेनिंग और अभी 1 साल की ट्रेनिंग देहरादून में की, जिसके उपरांत मुझे लेफ्टिनेंट पद के लिए नियुक्त किया गया। ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित होने का अवसर था कि महामहिम राष्ट्रपति जी वो थे, चीफ गेस्ट थे POP के, जिस वजह से ये मौका बहुत ही ज़्यादा और खुशी भरा हो गया। और उससे ज़्यादा खुशी की बात तो ये थी कि सारी फैमिली मेम्बर्स और स्पेशली मेरे भाई जो कि पहले एक सब लेफ्टिनेंट बन चुके थे वो भी मुझे लेने आए, और हमारी POP और ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात हो गई। दोनों बेटे जब अफसर बनकर घर लौटे तो माँ की आंखें खुशी के आंसुओं से नम हो गई, जबकि पिता भी फूले नहीं समा रहे थे। बड़ा भाई रोहन भारद्वाज इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट बना है, जबकि छोटा भाई राहुल भारद्वाज इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बना है। बताते हैं कि इन दोनों भाइयों के पिता सुशील कुमार इंडियन नेवी से ही MCPO-2 पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे वर्तमान में सरकारी स्कूल में बतौर लेक्चरर सेवाएं दे रहे हैं। पहले तो मैं मीडिया वालों को ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ तक आए और मेरी खुशी में शामिल हुए। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बड़ी गौरव होने वाली बात है कि मेरे दो बेटे को कमीशन रैंक मिला है, और इसका श्रेय अगर पूछोगे तो मैं ये श्रद्धांजलि अपने माँ बाप को देना चाहूँगा, स्पेशली मेरे पिताजी। वो शायद इतने साक्षात नहीं थे, बड़े शिक्षित थे और उनके बहुत सपने थे, और इनका सबसे बड़ा सपना तो ये था कि मेरा बेटा नेवी में जाए, और मैं इसका श्रेय अपने रिश्तेदारों को, स्पेशली मेरी बहन जिसके ससुराल खग्गल में हैं, उनके मेरे जीजा जी, उनके भाई कमलदेव जी, और उन्होंने मेरे लिए इतना बलिदान दिया है कि अपने साले साहिब को साथ में रख के, अपने साथ मेरे हाथ से हाथ दे के, मतलब हाथ दिया ताकि मैं नेवी में हो सका, और वहाँ से नींव रखी हुई है। तो मेरे पिताजी को मैं ज़्यादा श्रेय दूँगा क्योंकि उन्होंने सपना ले रखा था कि मेरा बेटा नेवी में जाए, और उसके बाद जब ये वहाँ पे इस तरह की पौध शुरू हुई है और इसके जो फल हैं वो मेरे बेटों के रूप में एक नेवी में और एक आर्मी में है। वैसे तो दोनों नेवी में हो गए थे, परंतु एक बेटे को आईसाइट की वजह से प्रॉब्लम थी तो उनको आर्मी में शिफ्ट कर दिया गया, और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि दोनों एक ही सेशन में हुए 2018 में, और उसके बाद 4 साल कंप्लीट करने के बाद उनको अपना अपना कमीशन मिला है। और मुझे दो बेटे जो हैं वो मतलब इस तरह से सेवाएं देंगे देश के लिए, और मैं इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं रख सकता। उम्मीद यही रखूँगा कि परमात्मा उनको स्वस्थ रखे और सफल रखे, जिसकी वजह से आगे वो अपना करियर अच्छा चुने, अपना लाइफ अच्छा जिए। मैं तो कल परसों एक इंटरव्यू में एक अधिकारी कह रहे थे सेना के कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाकी जॉब में और आर्मी में, तो ही सेड वन थिंग एंड आई वाज जस्ट, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा कि जॉब आपको कहीं और मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा, बट आर्मी गिव यू लाइफ। And that's what I can say, even Navy or Army, Defense Forces give you life, it makes you a very special person if you can really do that. और मैं और भी अपने रिश्तेदारों को श्रेय देना चाहूँगा, स्पेशली इनके जैसे कहा कि मामा जी, चार मामा हैं इनके, चारों आर्मी में हैं, दो रिटायर हो चुके हैं, और मेरे ससुर जी भी आर्मी में थे, और मेरे छोटा भाई नेवी में था, और भी बहुत सारे हैं। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि किस तरह से हमारे रिश्तेदारों में उन सबको बड़े अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे भी गांव के लोग बड़े खुश हैं, एरिया में भी एक अच्छा संदेश जाता है,
और खुशी है कि परमात्मा की दया से मुझे ये सब मौका मिला है और मैं इस काबिल बन पाया हूँ कि मेरे बेटे जो हैं वो आज अच्छा करके पास करके आ गए। थैंक यू। और मैं एक छोटे से गांव से पली बड़ी हूँ, मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं हूँ, पर आज मेरे बच्चों ने मेरे से दूध को मतलब एक बहुत ही मतलब मेरे शब्द नहीं है इसके लिए, मैं बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी को। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान हर हर माँ को ऐसे बेटे दें जो उनका नाम रोशन करें और देश की तरक्की हो हर तरह से, घर में मतलब सबके ऐसे खुशियाँ आए। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे घर में भी ऐसा होगा, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि मैं अपनी खुशी कैसे किसी को बताऊँ, पर मैं हर माँ के लिए ये दुआ करनी चाहूँ कि उसकी कोख से ऐसे बच्चे पैदा हों जो देश का नाम रोशन करें। लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट बने दोनों भाई सैनिक स्कूल सुजानपुर के छात्र रहे हैं। दोनों भाइयों ने UPSC NDA NA की परीक्षा को पास किया है। इसके बाद रोहन भारद्वाज इंडियन नेवल अकादमी और राहुल भारद्वाज ने नेशनल डिफेंस अकादमी पुणे तथा इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से ट्रेनिंग पूरी की है। रोहन भारद्वाज को 27 नवंबर 2021 को इंडियन नेवल अकादमी में सब लेफ्टिनेंट के रैंक से नवाजा गया है, जबकि राहुल भारद्वाज 11 दिसंबर 2021 को इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में ट्रेनिंग पूरा कर लेफ्टिनेंट बने हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।